आइए बारगाहे मुईन में चल रहे हैं आशिकाने ख्वाजा की नजर नहीं मनकबत मुलाजा करें। भाई कौन कौन बारगाहे मुईन में चलना चाहता है? पीछे वाले बिल्कुल ऐसे खामोश इख्तियार किए हुए ऐसा लग नहीं रहा, आशा करने में बैठे हैं। रा 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 रे 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 ना माशाल्लाह आगे वाले अच्छे हैं, पीछे वाले भी थोड़ा सी। अल्लाह हमारे प्रोग्राम को कामयाब कर दे आज की रात। अच्छा रखे मिर्जा बाबा के चाहने वालों के नजर। कोई भी दौर आए वो सुनना आशिकाने गरीब नवाज। कोई भी दौर आए वो राजा ही रहेगा, कोई भी दौर आए वो तो बस राजा ही रहेगा। राजा तो मेरा ख्वाजा, ये राजा तो मेरा ख्वाजा है, ख्वाजा ही रहेगा। पढ़ने से पहले हाजी मुबीन साहब खुदा ना रखी दो। देखिए इस देश के जो मुसलमान हैं अपने बारगाहे मुईन में क्या इल्तिजा करते हैं, खुदा ना रखी दो। हमने ना या हिंदू देखा ना सिख देखा, हमने किसी मजहब को नहीं देखा, हमने बस ये देखा या मोईन खुदा ना रखी दो। हमारा भारत गरीब नवाज, भाई आवाज आ रही है भाई, खुदा ना रखी दो। ये आशिकाने मोईन, ये भारत का गुलामे ख्वाजा कहता है खुदा ना रखी दो। हमारा भारत गरीब नवाज, करो वतन पे हमारे करम गरीब नवाज, करो हमारे वतन पे करम गरीब नवाज। तुम्हारा दर्द कौन छोड़ेगा,
अदा कर दो करम गरीब नवा अली गवानी का कर दो करम गरीब गुलामी मेरे ख्वाजा की बड़ी किस्मत से मिलती है यहाँ हर चीज मिलती है मगर चाहत से मिलती है अरे यहाँ शाही भी मिलती है मगर खिदमत से मिलती है ये वो पर है यहाँ पे भीख भी फुर्सत से मिलती है ये वो दर है यहाँ पे भीख भी इज्जत से मिलती है। पहला बता बारगाहे मोइन में आशिका ने आशागढ़ जितने हैं ख्वाजा के चाहने वाले उनके नजर कर रहे हैं दुश्मन खोल के कान मिर्जा बाबा के चाहने वाले उनके नजर अकबर भाई कसम से दुआएं कर रहा मुन्ना भाई अरे भाई सुन दुश्मन खोल के कान सुन दुश्मन खोल के कान सुन दुश्मन खोल के कान हमारा ख्वाजा है सुन दुश्मन खोल के कान सिर्फ दुश्मन खोल के कान हमारा ख्वाजा है इस भारत का सुल्तान इस भारत का सुल्तान अच्छा मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा कुछ नया लाया हूं उसको पढ़ूंगा क्योंकि नया भी पढ़ना बहुत जरूरी नहीं तो लोग कहेंगे कि जब आते हैं ये वही पढ़ के चले जाते हैं क्योंकि आपकी प्यार और मोहब्बत है कुछ नया भी पढ़ना चाहिए फरमाइश तो इंशाल्लाह होती रहेगी लेकिन कुछ नया पढ़ूंगा पीछे वाले आज पता नहीं क्यों परेश भाई महसूस ही नहीं हो रहा कि यार आशागढ़ में बैठे आशागढ़ का ये हाल नहीं था पहले भले हम थोड़े लोग हैं तो क्या हुआ लेकिन है तो है भाई अब ये शेर सुने पैसा ने गरम उनका करिश्मा ये दिखाए Yeah.
खाने मोहिन के नजर माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे जिनका उर्स मना रहे हैं उनके सदके में अल्लाह तमाम लोगों को सलामत रखे। हाजी साहब अब ये शेर सुने माशाल्लाह हमारे भाई भी यहाँ तशरीफ फरमा रहते हैं अल्लाह इनको भी सलामत रखे। परवेज भाई जब तक है जिंदगी यहाँ आते ही रहेंगे के गुलाम है तो मुझे महसूस हो गया कि बाबा है आज की रात बाबा है। जब तक है जहां जिंदगी आते ही रहेंगे सभी ख्वाजा की बारगाह में जाते हैं ये दो बंद ख्वाजा तेरे दयाल की एक रात चाहिए आमीन। सलामत रखे क्या बात है हाजी साहब बच्चों बच्चों को ऐसा बना रखा है आपने सुभान अल्लाह क्या कहने ये चार मिसरे उसकी नजर में
बस एक ही रट लगाते हैं भाई, जो भी पढ़ना सारे जान से जरूर पढ़ना, उसको जरूर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कुछ नई नई बात उसमें रख रहे हैं भाई, सुनना नई बात। या गरीब नवाज़, बिल्कुल ये गरीब नवाज के आशिकों की बिल्कुल आवाज नहीं है, बाबा के बुलंद आवाज नारा लगाए गरीब नवाज के नाम का। अब ये सुने कहना के ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है। क्या बात है ऐ खाके वतन, भाई आवाज आ रही है ना, मुझे महसूस ही नहीं हो रहा कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आप तक पहुंच रही आवाज। माशाल्लाह बहुत अच्छा साउंड है। बहुत है मगर भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत है। दोबारा पढ़ता हूँ, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है मगर भारत की हिफाजत को थानों के मुसलमान बहुत है। अब ये सुने, अरे कानून में लिखा है जहां अलिफ वहां मीम नहीं होने देंगे, कानून में लिखा है जहां अलिफ वहां मीम नहीं होने देंगे। अरे कानून में किसी भी कीमत पे तरमीम नहीं होने देंगे। अरे सीए और एनआरसी का बायकॉट बहुत जरूरी है। अरे भारत को फिर से टुकड़ों में तकसीम नहीं होने देंगे। इस भारत का सुल्तान भाई, दूषित मन और समाप्त कर ले। कहना क्या, सूफी ऋषि मुनियों का देश है। अरे ये देश तो अल्लाह के वलियों का देश है। अरे भारत की सरजमी है, बुजुर्गों की सरजमी। यही कैसे कैसे औलिया इस देश में मकी। अरे चाहे वलियों को कोई भी मिटा नहीं सकता। अरे मेरे भारत को कोई आंख अरे दिखा नहीं सकता। अरे ये देश तो राजाओं के राजा का देश है। अरे ये दुश्मनों से कह दो के ख्वाजा, अरे ख्वाजा का देश है। अरे दुश्मन का वार सैन्य तरीके से रुकेगा। अरे भारत का तिरंगा न झुका है न झुकेगा। और ये चार मिसरे की बड़ी फरमाइश थी कि भाई इसको जरूर पढ़ना। बस ये आखिरी चार मिसरे पढ़ रहा हूँ, उसके बाद कहना क्या, कभी बम बारूद गोली के हम आदि हो नहीं सकते। अरे मुसलमान जिसको कहते हैं पीछे वाले आवाज नहीं रखे, मैं बंद कर दूंगा। माशाल्लाह मेरा हिंदू भाई ऐसा कह रहा है तो आप लोग को कैसा कहना चाहिए। अल्लाह आपकी दूसरी टांग लौटा दे, मेरी दुआ है, हमारी दुआ है दिल से। अल्लाह किसी को ऐसा ना रखे। कहना है कभी बम बारूद गोली के हम आदि हो
मोहम्मद कभी आतंकवादी हो नहीं सकते। चार मिसरे कहना है कि हिंदू आज दिल्ली में जो हम हिंदू मुसलमानों के साथ जो हुआ हमारे भाइयों के साथ, क्या वो हिंदू हो क्या मुसलमान सब हमारा भाई है क्योंकि हम भारतवासी हैं। कहना है कि हिंदू मुस्लिम की ना लाशों को बनाओ सीढ़ी। माशाल्लाह साउंड वाले भी हमारे हिंदू भाई हैं, वो खुद चाहते हैं कि अल्लाह इस भारत को सलामत रखे। चार मिसरे भाई दोस्तों दुआ करना मेरे लिए इन चार मिसरों से, सच लगे तो दुआ कर देना। कहना है कि हिंदू मुस्लिम की ना लाशों को बनाओ सीढ़ी, अब तुम्हें ऐसी रसाई भी नहीं मिल सकती। हिंदू मुस्लिम की ना लाशों को बनाओ सीढ़ी, अब तुम्हें ऐसी रसाई भी नहीं मिल सकती। अगर देश के हालात बिगाड़े तुमने, अरे तुमको कुर्सी का चटाई भी नहीं मिल सकती। सारे चार मिसरे मुसीबतों से मुझे यूं बचा के रखा है, चाहे यूके ने कोरोना वायरस से मुझको बचा के रखा है। अरे के सर पे चिश्तिया पगड़ी सजा के, अरे हम अपने ख्वाजा का एहसान किस तरह भूले। अरे के इस गुलाम को अपना बना के रखा है इस भारत का सुल्तान। महफिल के नजर कर रहे हैं इस भारत का सुल्तान, इस भारत का सुल्तान हमारा राजा है। ये हमारी बुनावाद चार मिसरे आशिकाने मोहिन के नजर, या गरीब बुनावाद ख्वाजा जी अंधेरी रात की साया भी हो नहीं सकता, अंधेरी रात है साया भी हो नहीं सकता, अंधेरी रात की साया भी हो नहीं सकता। ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है। अरे मिटाने वाले तो कब का मुझे मिटा देते, मिटाने वाले तो कब का मुझे मिटा देते।
इंशाल्लाह आपने जो कहा उसको पूरा करूंगा। हाजी साहब मुस्लिम भाई बीशा बाबा के जितने गुलाम उनके नजर, दुनिया के बाजार में मेरा कुछ भी नहीं था बोल, दुनिया के बाजार में आप फकर करे अपनी किस्मत पे के गुलाम मीर शाह बाबा हैं आप, ऐसे पीरी तरीकत ने आपको कदमों से लगा रखा है। दुनिया के बाजार में मेरा कुछ भी नहीं था, दुनिया के बाजार में मेरा कुछ भी नहीं था, दुनिया के बाजार में मेरा कुछ भी नहीं था, अरे दुनिया के बाजार में मेरा कुछ भी नहीं था बोल, अरे उनकी गुलामी जब से मिली गए हो गया मैं अनमोल। दुनिया के बाजार में मेरा कुछ भी नहीं था वो, दुनिया के बाजार में मेरा कुछ भी नहीं था वो, दुनिया के बाजार में मेरा कुछ भी नहीं था वो, क्या दुनिया के बाजार में मेरा कुछ भी नहीं था वो, दुनिया के बाजार में मेरा कुछ भी नहीं था वो, दुनिया के बाजार में मेरा कुछ भी नहीं था बोल, अरे उनकी गुलामी जब से मिली गए हो गए मैं अनमोल। आशिका ने मोहित के नजर, उनकी दुआ से इज्जत अजमत सवर गई, माशाल्लाह अहमद पीरा साहब का बा, उनकी दुआएं हैं मेरे साथ आज गुजरात में, माशाल्लाह मुझे बहुत इन्होंने मेहनत की मेरे लिए, अल्लाह इनको सलामत रखे। और मुन्ना भाई तमाम परेश भाई तमाम दोस्तों के नजर ये दो मिसरे, उनकी दुआ, इसके बाद इंशाल्लाह जो मीर शाह बाबा को पसंद है वो धुन भी सुनाऊंगा। उनकी दुआ से ईशा दुआ से बदशाह मर गई, उनकी दुआ से ईशा तो अजमत सवर गई, ऐसा नवादा ख्वाजा ने दुनिया बदल गई। इस कलाम को पढ़ने के लिए बुला लगे, मैं तो छम छम नाचू मेरे बाजा करे, मुझ पे चिश्ती सावरिया, देखी खाजा ने मुझ पे करम की नजरिया, देखी खाजा ने मुझ पे करम की नजरिया, ये हुए पहर का मुझ पे चिश्ती सावरिया, ख्वाजा किया तशरीफ लाए,
ये जो आप माशाल्लाह बड़ा मोटा हथौड़ा देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप तबले पे जब हाथ रखते हो ऐसा लग रहा है कोई हथौड़ा मार रहा है, ये साजिदवादी हिंदुस्तान के जो बड़े डायरेक्टर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर आपने सुना होगा नाम साजिद वाजिद, उनके बड़े भाई हैं माशाल्लाह। अब इसके बाद मैं थोड़ी सी नौबत बजाऊंगा क्योंकि भाई की फरमाइश है, नौबत मीर्शा बाबा को जो पसंद है उसको दो मिनट लूंगा। कि है क्या है हैसियत मेरी और नाती क्या है, शहंशाह के आगे मेरी बात क्या है, आइए मिर्शा बाबा की ये गुलाम है, ये उनके मुरीद है, अब ये क्या कर रहे हैं आखिरी सुने। अहमद भाई यहाँ गौर से देखना,